के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी गई, उन्हें कोविशील्ड लगाई गई। अरविंद केजरीवाल के साथ उनके माता पिता को भी वैक्सीन की पहली डोज लगी। बता दें कि वैसे तो अरविंद केजरीवाल की उम्र 52 वर्ष है, लेकिन वो लंबे वक्त से डायबिटीज से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें भी वैक्सीन दे दी गई है। वैक्सीन लगवाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। वो सभी से अपील करना चाहते हैं कि जो भी वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं, वो टीका जरूर लगवाएं। आपको बता दें कि 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हुआ है। इसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो कि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। पिछले 3 दिनों में देश भर में 5,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अभी देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।